बिहार में चुनाव का दौर जारी है, लिहाजा राजनीतिक दल के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। सीएम नीतीश कुमार लगातार लालू राबड़ी के 15 सालों के शासनकाल की याद दिला रहे हैं। वे अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि जिनको 15 साल बिहार में काम करने का अवसर मिला तो कुछ किया नहीं, सिर्फ अपने परिवार का विकास करते रहे, अब बेकार की बातें कर रहे हैं। सीएम नीतीश के आरोप पर तेजस्वी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। आज सुबह सुबह लालू प्रसाद भी इस मैदान में कूद पड़े और ट्वीट करके नीतीश कुमार को घेर लिया। उन्होंने नीतीश कुमार को कुर्सी का लालची करार दिया। लालू प्रसाद ने कहा है कि कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया है। राजद सुप्रीमो ने ट्वीट में आगे लिखा है कि 2010 के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद सहयोगी दल के साथ विश्वासघात किया गया और 2015 में हमारे दम पर जीतने के बाद हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। नीतीश की कोई नीति, कोई नियम और कोई नियत नहीं है, अब तो ये नेता भी नहीं रहा।